कोई चांस ही नहीं है। ओहो सारा आगे से निकल गया अपने, नमस्कार दोस्तों। तो आज की हम वीडियो बनाने वाले हैं, ड्रैग रेस करने वाले हैं। एक सीडान है हमारी और ये है हमारे पास एसयूवी, महिंद्रा की एसयूवी है ये। ये हमारी सीडान है स्कोडा रैपिड। ये थोड़ा ये मैनुअल है और ये ऑटोमेटिक है। तो इसका पहले पावर स्पेक बता देता हूँ मैं आपको। इंजन स्पेसिफिकेशन इसकी है 1.5 लीटर डीजल इंजन हमारी है। DSG गेयरबॉक्स है ऑटोमेटिक इसमें, और 250 NM का टॉर्क है इसमें, और 109 BHP प्रोड्यूस करती है। इसके बाद हम एसयूवी की बात कर लेते हैं। एसयूवी के ऑनर से मैं मिलवा देता हूँ आपको, इसके पावर स्पेक बता देंगे भैया। तो क्या हाल है भाई? बिल्कुल बढ़िया। तो भाई बताओ कि क्या पावर स्पेक? ये है 2.2 लीटर का डीजल और ये निकालती है 140 BHP और 330 का टॉर्क। ठीक है जी, 330 NM का टॉर्क है। चलो जी, हमने देख लिया इनके पावर दोनों की मैंने बता दी है। तो अब हम देख लेते हैं कि राउंड करवाएंगे इनका हम फर्स्ट पहले, उसके बाद देखेंगे कि ये डीजल है इसमें थोड़ा बहुत लैग है स्टार्टिंग में, लेकिन वो मैनुअल है तो उसका शायद फायदा हो सकता है उसको थोड़ा सा। तो पहला राउंड अगर हम पहले करवाएंगे इसका, तो चलिए शुरू करते हैं पहला राउंड इनका। तो भाई ये शुभम भाई चलाएंगे इसको, एसयूवी को इनकी गाड़ी है, मैं चलाऊंगा अपनी स्कोडा रैपिड। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहले राउंड में भाई एसी ऑन और ट्रैक्शन आता है? हाँ ट्रैक्शन है इसमें। ट्रैक्शन ऑफ कर लो? ऑफ कर लेंगे। एसी ऑन कर लेते हैं? ठीक है भाई, ट्रैक्शन ऑफ रहेगा पहले में और एसी ऑन रहेगा। चलिए शुरू करते हैं जी। तो ये मैंने एसी ऑन कर दिया इसका, ट्रैक्शन ऑफ, डी में है ये गाड़ी, वो मैनुअल है। कर दे भाई स्टार्ट। आप तीन ऑन कर लो। है जी, आपकी DSG उसमें लैग है तो तीन ऑन आप कर लो। ठीक है, लंबे लगा। ठीक है ठीक, तीन हॉर्न में करूँगा। तो तीन हॉर्न पे गाड़ी स्टार्ट कर देंगे हम दोनों। तो ये हमने स्टार्ट कर रहे हैं भाई। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लैग है, मैंने बताया था पहले ही, तो इसलिए थोड़ा सा लॉन्च होने में टाइम लगा इसमें, लेकिन लॉन्च होने के बाद ये निकल गई है। एक्सयूवी रह गई पीछे काफ़ी, और जैसा हम देख सकते हैं एक्सयूवी काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई है और हमारी जा चुकी है 100 तक। तो 100 तक नहीं चेज कर पाई है एक्सयूवी हमें। तो देखिए अब ये रहा है इसका। तो भाई काफ़ी पीछे रह गई थी ये एक्सयूवी, चेज नहीं कर पाई। ऑब्वियसली ये सीडान भी है, इसका फ़ायदा हुआ इसको, और स्टार्टिंग में भी नहीं ज़्यादा कोई लैग लगा ज़्यादा गाड़ी में। तो भाई DSG है ये और सीडान है इसका, थोड़ा इसको फ़ायदा हुआ, और वो 2.2 लीटर और उसको ऑब्वियसली इसका वेट भी ज़्यादा है गाड़ी में, तो उसका भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वो हम देख सकते हैं वो हुआ इसमें। तो बाकी अब हम सेकेंड राउंड और देखने वाले इसका, तो चलिए स्टार्ट करेंगे एक बार सेकंड राउंड। वेट भी ज़्यादा गाड़ी का हम बोल सकते हैं, अनलेडन वेट काफ़ी ज़्यादा उसका। तो और SUV है, एरोडायनेमिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है उसमें, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल रही इसमें। तो सेकंड राउंड देखेंगे अगर हम, AC ऑफ कर लेंगे और ट्रैक्शन भी ऑफ ही रहेगा। भाई क्या रहा फिर परफॉर्मेंस? क्या ठीक था ना वो लॉकेट? अच्छा बिना लॉन्च लिए उठाई थी और एसी तो ऑन था ही, एसी का खैर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पर लॉन्च का फर्क था। अच्छा अब की बार एसी ऑफ कर लेते, एसी ऑफ कर लेते दोनों पर। ठीक है भाई, अब की बार एसी ऑफ रहेगा दोनों में। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो, सेकंड राउंड स्टार्ट कर रहे हैं अब हम इसका। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसका AC ऑफ कर दिया है बिल्कुल। ठीक है जी, ट्रैक्शन ऑफ ही है यहाँ पे, ट्रैक्शन ऑफ है। तो अब हम कर लेते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो भाई सेकंड राउंड में अब हम देख रहे हैं, जैसे उन्होंने पहले लॉन्च नहीं किया था फर्स्ट राउंड में, तो अब उन्होंने सही से लॉन्च किया है उसको। तो फर्स्ट राउंड में वो जा रही है आगे वो, लेकिन हाँ चेज कर रही है रैपिड इसको, ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं हुआ है क्रिएट हमारे बीच में। तो यहाँ पे मुझे थोड़े ब्रेक लगाने पड़ गए थे क्योंकि रोड काफ़ी कंजेस्टेड आगे से, और जो है पत्थर भी बहुत ज़्यादा इस रोड पे, तो उछल के लग सकता है गाड़ी के शीशे पे। तो इसलिए मैंने अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अब नेक्स्ट राउंड में एक रोड करके देख लेंगे इसका, दूसरे वाले रोड पे करेंगे अब की बार। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट राउंड में। ठीक है जी, सेकंड राउंड अच्छा था लेकिन स्टार्टिंग में तो उन्होंने लॉन्च किया था अब की बार, तो ठीक भाई ब्रेक इसलिए ले ली क्योंकि मेरे को कंजेस्टेड दिख रहा था रोड आगे, कंजेस्टेड सा थोड़ा, फिर इसलिए मैंने ब्रेक लगाया थोड़ा। अब की बार थर्ड राउंड और करते हैं एक बार, तो दोबारा से वही रखेंगे सारी कंडीशंस।
तो एक बार और एक राउंड करते देखते हैं। लॉन्च अच्छे से हुई थी अब की बार एक्सयूवी, लेकिन मैंने रोड कंजेस्टेड साथ दिखा मुझे थोड़ा, तो इसलिए मैंने ब्रेक लगा दिए थे, और था भी वहाँ पे थोड़ी ना रोड ही पत्थर से भी गिरे हुए थे, तो इसलिए अब दोबारा एक बार थर्ड राउंड स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो सेम कंडीशंस रहेंगी, एसी ऑफ रहेगा दोनों का, और एक एक आदमी बिठा लेते हैं गाड़ी के अंदर, तो भाई इसमें बैठ जाना। सेकेंड राउंड हमने देख लिया, तो अब एक बार थर्ड राउंड और करवा के देख रहे हैं, क्योंकि कंडीशंस तो वही थी कि सेकंड में भी यही जीत रही थी सेकंड नंबर पे भी, लेकिन अब थर्ड राउंड एक बार और करवा के देख लेते हैं। तो थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे अभी, सेम कंडीशंस रहेंगे, एसी ऑफ रहेगा गाड़ी का, और हमने देख लिया थर्ड राउंड भी इनका दोनों का। तो थर्ड राउंड यहाँ पे थोड़ा सा, जहाँ पे अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक ठीक नहीं है, बाकी स्टार्टिंग में हमने देख लिया वो मैनुअल का, उसको थोड़ा फ़ायदा हुआ, मैनुअल है वो, मतलब लॉन्च अच्छी हुई वो। इसके बाद बाकी स्टार्टिंग में जाती है वो थोड़ा एक बार, उसके बाद साथ साथ ही ये निकल जाती है आगे रैपिड, क्योंकि सीडान भी है और उसका डीएसी गियरबॉक्स है, तो पावर भी ठीक ठाक है, ऐसी कोई वो नहीं है, तो इसमें थोड़ा मैनुअल में है तो स्टार्टिंग में लॉन्च में थोड़ा फ़ायदा होता था इसको, बाकी साथ साथ निकल जाती है। और ट्रैक थोड़ा ठीक नहीं था आज का, क्योंकि पत्थर वत्थर ज़्यादा गिरे हुए हैं, तो गाड़ी में क्रैक भी आ गया थोड़ा सा। तो आज की कंक्लूजन यही रहा है कि सीडान की वजह से उसको फ़ायदा हो जाता है, और मैनुअल ये है तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में इसको लॉन्च में इसका फ़ायदा हो जाता है। बाकी दोनों का आपने देख लिया ट्रैक रेस जो भी रहा, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी आएंगे दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू।